वेलकम टू आयशा कुकिंग वर्ल्ड। आयशा कुकिंग वर्ल्ड में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चार तरह की फिलिंग कैसे बनाएं, जिसमें मैं बनाऊंगी वेज फिलिंग, पनीर फिलिंग, आलू फिलिंग, चिकन फिलिंग। लॉन्ग टाइम तक कैसे स्टोर करें, यही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी बनाना। तो सबसे पहले मैंने कुछ वेजीज ली हैं, प्याज, शिमला मिर्च, हरा धनिया, मिर्च, टमाटर, गाजर वगैरह, और जो भी कोई सब्जी आपको पसंद है वो भी लेना है आप। पत्ता गोभी को मैंने बड़े साइज़ में लिया है, पत्ता गोभी को मैं रफली चॉप कर लेती हूँ। ये पत्ता गोभी भी रफली चॉप कर ली है मैंने, गाजर को भी रफली चॉप कर लेंगे, और ये थोड़ी स्प्रिंग अनियन है मेरे पास, इसको रफली चॉप कर लेंगे। कैप्सिकम को भी मैंने पीसीज में कट कर लिया है, कई बार स्टफिंग के लिए हमें बड़े पीसीज की ज़रूरत होती है, तो शिमला मिर्च को मैंने बड़े पीस में कट करा है और छोटे पीस में भी मैं इसको कट करूँगी। प्याज को भी फाइन चॉप कर लेंगे, जब भी आप फ्री हो प्याज को इस तरीके से फाइन चॉप करके रख लें, एयर टाइट कंटेनर में ठीक तरह से पैक कर दें, इससे भी किचन के काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। अब टमाटर को भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है, रफली चॉप नहीं करूंगी मैं इसको, टमाटर से काफ़ी पानी रिलीज होता है, तो बड़े पीसीज में अगर हम इसको चॉप करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टिकी सी फिलिंग तैयार होगी। अगर हम इसको छोटे पीसीज में चॉप करेंगे तो छोटे पीसीज को हम ऐड करेंगे और पानी जो इसका रह जाएगा उसको निकाल देंगे, एक्स्ट्रा पानी इसका अलग कर देंगे। हरा धनिया भी रफली चॉप कर लेंगे और ये हरी मिर्च भी चॉप कर लेंगे। सारी ही वेजीज को चॉप कर लिया है मैंने, जो मेरे पास थी, जिसकी ज़रूरत होगी ऐड कर लूँगी, बाकी स्किप कर दूँगी। अगर आप चाहें तो सारी ही इस टाइप की जो वेजीज हैं सारी आप ऐड कर लें, और आप चाहें तो स्किप कर दें। अब एक कढ़ाई ली है मैंने, और ये 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, गर्म कर लिया है कुकिंग ऑयल को मैंने, और ये 1/2 टेबल स्पून राई ऐड करेंगे इसमें, मस्टर्ड सीड्स जो होती हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पत्ता गोभी को भी फ्राई कर लेंगे और जितनी भी वेजीज हमने चॉप की हैं ऐड कर लेंगे, और 5 मिनट तक कुक होने तक फ्राई करेंगे। वेजीज फ्राई हो गई हैं, एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं और साइड पर रख देते हैं। अब ये वेजीज भी ठंडी हो गई हैं, 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सीजनिंग ऐड करेंगे हम इसमें, पिज़्ज़ा सीजनिंग जो होती है वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, और ये 1 टेबल स्पून किंग मसाला, किचन किंग मसाला जो होता है वो मैंने इसमें ऐड करा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई भी मसाला आप इसमें ऐड करना है, मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें, लेकिन स्किप नहीं करना है इसको। 2 टेबल स्पून मेयोनीज ऐड करेंगे हम इसमें, मेयोनीज अगर नहीं है तो स्किप कर दें, फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं, अगर हैंड टू हैंड आप कोई स्नैक्स बना रहे हैं तो क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। अगर फिलिंग को स्टोर करके रख रहे हैं तो फ्रेश क्रीम का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि फिलिंग ना बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएगी, फ्रेश क्रीम से कोई भी चीज़ बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। अब वो 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड करेंगे इसमें, और ठीक तरह से मिक्सिंग कर लेंगे इसकी, जिससे विनेगर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और बस ये हमारी स्टोर करने के लिए वेज फिलिंग बिल्कुल तैयार है। जब भी आपको कोई भी स्नैक्स बनाना हो स्टफ करें और फ्राई कर लें। वेज फिलिंग तो हमारी तैयार हो चुकी है, पनीर फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। अब एक बाउल लिया है मैंने, 4 टेबल स्पून के करीब चॉप्ड हुई प्याज ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून के करीब शिमला मिर्च ऐड करेंगे, और ये 1 टेबल स्पून हरी मिर्च, बहुत तीखी है, बस 1 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे। रफली चॉप हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे, और ये फाइन चॉप हुए टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अगर टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टे हैं और पीले वाले जो टमाटर होते हैं, हरे और पीले टाइप के जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, तो अगर वो वाले टमाटर आप ऐड कर रहे हैं तो ये आमचूर पाउडर ऐड नहीं करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला भी ऐड कर देंगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छा फ्लेवर इससे आएगा। 1 पिंच के करीब काला नमक ऐड करूँगी, और 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, कई बार चिली फ्लेक्स नहीं होती हैं तो क्या करें, साबुत वाली जो लाल मिर्च होती है ना, तो उसके बीज निकाल लें, और या तो उसको थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड कर लें, या फिर उसको बारीक बारीक से काट कर मिक्स कर लें। अभी यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है,
अगर आप ज़्यादा पनीर ले रहे हैं, ज़्यादा फिलिंग बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से सारे ही मसालों की, हरी मिर्च वगैरह, वेजीज जो भी हमने इसमें डाली हैं, सारी क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। अब पनीर को मैं हाथ से ही मैश करके मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कद्दूकस वगैरह भी करके पनीर को डाल सकते हैं इसमें। मैं हाथ से ही ऐसा थोड़ा मैश करते हुए इसके साथ मिक्स कर लूँगी। ऐसे मैश करते जाएंगे और उसके इसमें ऐड करते जाएंगे। कोई भी स्नैक्स या पराठे वगैरह जब हम बनाते हैं तो पनीर के ज़्यादा मोटे पीसेज जो होते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं रहते, और बहुत फाइन भी बहुत अच्छे नहीं रहते, एकदम ग्रीसी से बहुत अच्छे नहीं रहते वो, तो थोड़ी दरदरी फीलिंग हमें चाहिए। और ये सारा ही पनीर मैंने बहुत अच्छे से हाथ से मैश कर लिया है। इस स्पैचुला वगैरह से जब हम मिक्स करें तो इस तरह से मिक्स करें, इसको थोड़ा मैश करके इस तरह से मैश करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये बहुत अच्छे से फिलिंग मैश हो गई है। आप अपनी पसंद की और भी कोई वेजीज अगर इसमें ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। आलू वगैरह भी आप इसमें ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर लें। हम इस फिलिंग को लॉन्ग टाइम तो नहीं रख सकते, लेकिन हाँ 3 से 4 दिन तक हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज़र में, क्योंकि पनीर को हम पका नहीं रहे हैं, पनीर वेजीज सब कुछ कच्चा ही है इसमें, बस ऐसे ही मिक्स किया है, तो ये लॉन्ग टाइम तक हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। ये पनीर फिलिंग भी तैयार है, इसको साइड पर रखते हैं। अब चिकन फिलिंग कैसे बनाएं, तो चलिए बनाते हैं। अब एक पैन लिया है मैंने, और ये 5 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेंगे, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से भून लेंगे इसको। फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और पेस्ट को हम जब तक भूनेंगे जब तक कि पेस्ट से तेल अलग नहीं होने लगे, वरना लहसुन अदरक में जो कच्चा कच्चा फ्लेवर होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। पेस्ट भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब जो हमने प्याज को चॉप करके रखा था वो भी ऐड कर देंगे, और प्याज को सॉफ्ट होने तक भुनेंगे। कलर चेंज नहीं करना प्याज का, बस सॉफ्ट होने तक ही इसको अच्छे से मिक्स करके पकाना है। कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, लो फ्लेम पर ही पकाएंगे इसको। 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। प्याज को इतना सॉफ्ट कर लिया है मैंने कि स्पैचुला वगैरह से मैं इसको चला रही हूँ, तो चलाने से ही ये मैश हो रही है, बस ये परफेक्ट है। अब ये चॉप्ड हुआ चिकन लिया है मैंने, वजन से 500 ग्राम के करीब चिकन है ये। चिकन को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अगर थोड़ा भी मैं मोटे पीसीज में इसको रहने देती तो ये पकने के बाद और मोटा दिखने लगता, इसीलिए हमें फाइन चॉप लेना है चिकन को। और ये फाइन चॉप हुए चिकन को हम प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। टमाटर जो चॉप करके हमने रखे हैं ये भी ऐड कर देंगे, और बाकी भी मसाले टमाटर के साथ ही ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे, और ये चॉप्ड हुई हरी मिर्च, और ये ऐड करेंगे चॉप्ड हुआ हरा धनिया। बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड कर देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छे से मिक्स करेंगे इस सबको। इस तरह से मिक्स करना है इसको कि चिकन के थोड़े भी अगर मोटे पीसीज हैं इसमें तो वो स्पैचुला वगैरह से ऐसे फाइन कर देंगे इसको, छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे, क्योंकि ये चिकन तो गल गया है, तो स्पैचुला से ये बहुत आसानी से पीस हो जाएगा इसका, बिल्कुल फाइन कर लेंगे इसको। और 5 मिनट के लिए फिर से कवर कर देंगे लो फ्लेम पर। 5 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। चिकन पक तो गया है, लेकिन ऐसे स्पैचुला वगैरह से दबाने पर इसमें से पानी रिलीज हो रहा है, तो हाई फ्लेम पर हम 2 मिनट और पकाएंगे इसको। इतना पकाएंगे कि बिल्कुल ये भुन जाए अच्छे से, ड्राई हो जाए, इसमें बिल्कुल पानी या तेल वगैरह कुछ नहीं इसमें रहे, क्योंकि हमें इसके लिए ड्राई फिलिंग चाहिए। बिना तेल बिना पानी के साथ एकदम सॉफ्ट चिकन भी ड्राई हो गया है, और पानी भी या तेल भी चिकन के अंदर बिल्कुल नहीं है। स्टफिंग के लिए हमें ड्राई फिलिंग की ज़रूरत होती है, ताकि इस फिलिंग के साथ हम कोई भी रेसिपी बनाएं तो फिलिंग बाहर नहीं निकले। मैंने ये फिलिंग तो चिकन के साथ बनाई है और स्टोर कर रही हूँ मैं इसको। आप चाहें तो इसको मटन के साथ भी बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। इस फिलिंग के साथ आप बना सकते हैं चिकन पफ या स्प्रिंग रोल या समोसा वगैरह। अब ये चिकन फिलिंग भी तैयार हो चुकी है, इसको भी साइड पर रख देते हैं। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से आलू फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी बनाना।
ये मैंने 500 ग्राम बॉईल हुए आलू लिए हैं और ये आलू का छिलका हटा देंगे और इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। आलू को हम मैश कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और मैंने ये 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसको। चॉप हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और ये रफली चॉप हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। थोड़ा क्रंची होने तक फ्राई करेंगे हम इसको। अब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर भी डाल देंगे। ये मैंने आमचूर पाउडर डाला है यहाँ पर, अच्छा टेस्ट भी आएगा आमचूर पाउडर से और स्टफिंग ड्राई तैयार होगी। अगर हम इसमें टमाटर वगैरह डाल देंगे तो उससे स्टफिंग थोड़ी गीली गीली सी रहेगी। 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पर। ये बॉईल हुए आलू भी ठंडे हो गए हैं, आलू से छिलका हटा दिया है मैंने और आलू को मैंने मैश कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 4 तरह की फिलिंग को बनाकर स्टोर करें। जब भी स्नैक्स खाने का मन हो फटाफट स्टोर हुई फिलिंग को निकालें और इंस्टेंट स्नैक्स तैयार करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।